सर क्वेश्चन इज ये, जैसे किसी हमें किसी चीज का एडिक्शन होता है, मतलब सबको होता है वैसे तो। सर मैं खुद मेरा पर्सनली पबजी में है। मैंने बड़ा सुना है पबजी। पबजी क्या है ये? पबजी गेम है सर। गेम है ये? क्या होता है इस गेम में? एक बैटल ग्राउंड है, चार बंदे जो टीम स्क्वाड में खेले, चार डुओ में दो, एक बचना होता है, लास्ट तक बचता जो फर्स्ट आ जाओ। लड़ने का शौक है क्या? नहीं नहीं सर, लास्ट में चिकन डिनर मिलता है ना, उसमें क्या मिलता है? चिकन डिनर। अबे क्या हो, काम धंधा नहीं है तो उसमें एक वर्चुअल डिनर मिलता है आपको, और उसमें वर्चुअल डेट भी मिलती है या अकेले खाना खाओ? सर कभी कभार लड़की मिल जाए तो मार मुर के निकल लेती है, और क्या। जैसे किसी घर में घुसते हैं, लड़की मिल जाती है अंदर। ये संस्कार है आप लोगों के? हाँ, लड़कियों के मतलब घर में घुसते हो, लड़कियों को देखते हो, मार के निकल जाते हो। अरे भाई उसे नाम तो पूछ लेते। गेम इंस्टॉल किया था, 18 बार कर लिया, फिर वापस इंस्टॉल कर लेते हूँ। मतलब अनइंस्टॉल करते हो, फिर बार बार इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल कर लेते हो। द पॉइंट इज एडिक्शन, गेम से एडिक्शन हो जाता है। जी सर। ये एडिक्शन क्या होता है, कभी सोचा है? व्हाट इज एडिक्शन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिक्शन टू अ गेम, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। बार बार छोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं छोड़ पाते, ऐसा क्यों होता है? प्लेजर। व्हाट इज प्लेजर? इस प्लेजर हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस अलग चीज है, प्लेजर अलग चीज है? प्लेजर से हैप्पीनेस मिलती है या हैप्पीनेस चली जाती है? आराम से सुनना मैंने क्या बोला है। आपका एडिक्शन है, उसके हिसाब से आप चलते हो, आपको प्लेजर मिलता है, फिर चलते हो फिर प्लेजर मिलता है, फिर चलते हो फिर प्लेजर मिलता है। लेकिन आपका जो एडिक्शन है उसको कुछ दिन बाद आप छोड़ देते हो तो वहां पे प्लेजर मिलता है? पेन कुछ दिन तक हुआ, क्योंकि जब भी कोई एडिक्शन को आप छोड़ोगे तो कुछ दिन तक बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। आदत पड़ी होती है ना, बार बार ध्यान वहां पर जाए। लेकिन अपनी उस आदत को, एक आदत को, किसी भी एक एडिक्शन को आपने कॉन्कर कर लिया तो वहां पर क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलती है, नहीं मिलती है? एक डीप सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, मजा आ गया। और दूसरी तरफ से क्या मिल रहा है आपको? हैप्पीनेस मिल रही है, उस प्लेजर के हिसाब से चल रहे हो। या जिसको आप हैप्पीनेस समझ रहे हो वो कुछ सेंसेशंस है जो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन उन सब सेंसेशंस के पीछे, उन प्लेजर्स के पीछे सिर्फ सफरिंग है, रिग्रेट है। हाँ, दैट इज द राइट वर्ड, रिग्रेट है। रिग्रेट होता है, नहीं होता है हर एडिक्शन के पीछे? जब कर रहे होते हैं तब तो होश ही नहीं होता है, जैसे कर लेते हैं बाद में रिग्रेट होता है, ये क्या किया मैंने, सोचा था नहीं करूं फिर कर दिया। तो रिग्रेट क्या है? क्या ये हैप्पीनेस है? क्या कहेंगे इसको? पछतावा। किसने बोला ये? थैंक यू सो मच, आपने बताया रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। हम में से किसी को नहीं पता था ये, राज खुल गया है आज। मेरे पूछने का मतलब है, इज रिग्रेट हैप्पीनेस? एक ऐसी लाइफ जिसमें रिग्रेट्स ही रिग्रेट्स हो, ऐसी लाइफ को आप क्या कहोगे? बहुत खुश हो? कैन वी कॉल इट अ हैप्पी लाइफ और एन अनहैप्पी लाइफ? इट्स अ प्रिजन, जेल के जैसा है, जहां पे आप फंस जाते हो, जहां से ना निकल सकते हो ना वहां पर रह सकते हो। ट्रैप, जैसे चूहे पकड़ते हैं। चूहे पकड़े कभी? कैसे पकड़ते हैं बताओ? हाँ बताओ बताओ, माइक लेकर के बताओ, एक माइक दो उनको ही दे दो जिन्होंने ट्रैप बोला था पीछे। सर चादर डाल दी उसके ऊपर फिर। एक मिनट, ये कौन सा नुस्खा है भाई? आप कह रहे हो चूहे के ऊपर चादर डाल दी? बड़ी चादर सर, डबल बेड की, फिर वो उसके अंदर फंस गया। बड़ी चादर डाल दी और उसपे खुद कूद गए, जकड़ के और बाहर निकल गए, ऐसा कुछ किया? उसे बाहर फेंका है फिर। चादर डालोगे तो वो तो चादर के नीचे से निकल जाएगा, मतलब चादर क्या है? नहीं सर, पकड़ लिया उसे चादर के अंदर, फिर वो भाग नहीं पाया ना चादर के अंदर। एक्चुअल में चूहे कैसे पकड़ते हैं किसी को नहीं पता है? बताओ ना फिर कैसे पकड़ते हैं। हाँ बताओ कौन, किसी को भी दे दो माइक। वो जो रैट ट्रैप होता है उसमें हम पहले कोई फॉर एग्जांपल रोटी वगैरह लगाते हैं, सो जब वो चूहा स्मेल करके अंदर आता है सो वो रैट ट्रैप बंद हो जाता है, फिर हम उसे फेंक देते हैं। एग्जैक्टली, लेट्स गेट बिगिन फॉर हिम। भाई आज जा करके एक रैट ट्रैप ऑर्डर कर देना, इस चद्दर चुद्दर का काम रिस्की है। इट इज सो सिंपल। अब एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि उसमें जो हम चीज लगाते हैं क्या वो चूहे की पसंद की होती है या उसके पसंद की नहीं होती है? जो भी हम लगा, उसके पसंद की होती है। जितनी ज्यादा पसंद की होगी उतना जल्दी जल्दी फंसेगा। यस सर।
दिस इज प्लेजर. हर प्लेजर ऐसे ही काम करता है. पहले वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और जैसे ही वो प्लेजर हमको अपनी तरफ खींच लेता है तो हमें पता नहीं होता लेकिन हम फंस जाते हैं. जितना भी सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ये है, वो है, टेलीविजन है, ये सब किस लिए है? क्या वहां पर आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप प्लेजर्स को अपने कैसे कॉन्कर करो, या इस टेम्पटेशन से कैसे बचो, कैसे इस ट्रैप से बचो? तो सब तरफ ट्रैप्स ही ट्रैप्स है. कितने ट्रैप्स हैं? बहुत सारे. अनलिमिटेड तरीके से अनलिमिटेड लोगों को फंसाया जा रहा है. कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं. तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? याद करो अपनी उस एडिक्शन को और उस मूवमेंट को. जिस मूवमेंट में, जिस भी चीज से आप एडिक्टेड हो, वो खाने की कोई चीज हो सकती है, तो उसकी खुशबू आती है, या दारू वारू हो सकती है, सिगरेट हो सकती है, ये सब चीजें. मतलब जैसे ही वो चीज हमें दिखती है तो क्या होता है? माइंड ब्लैंक हो जाता है. मतलब माइंड में जो भी बातें थी, ये सारी जो अभी हम कर रहे हैं, वो सब जीरो हो जाती है. हम सब कुछ भूल जाते हैं. होता है, नहीं होता है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? धीरे धीरे कम करेंगे तो शायद हम कुछ टाइम में उस एडिक्शन से बाहर. हम कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे कम करके, जब हम धीरे धीरे कम करते हैं तो क्या होता है? प्रैक्टिकली बताओ क्या होता है? और तड़पने लग जाते हो उसी के लिए. ऐसा होता है, नहीं होता है? दो तरीके हैं हमारे पास अपनी एडिक्शन से लड़ने के. एक है एक एक करके अपनी एडिक्शन से लड़ो. अगर आप बारीकी से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, आपको एक या दो एडिक्शन नहीं है, पता नहीं कितनी है. यहां तक कि एक तरह से सोचने की भी एडिक्शन है. अपने थॉट प्रोसेस से एडिक्ट हुए पड़े हैं. जैसे कोई बंदा आकर के कोई बड़ी बात करेगा तो दिमाग में घुसेगी ही नहीं, क्या ये एडिक्शन नहीं है? कितने तरह की एडिक्शंस हैं, अनलिमिटेड तरह की. तो एक तरीका यह है कि अपनी अलग अलग एडिक्शंस को एक एक करके कॉन्कर करो. दूसरा तरीका क्या है? एक झटके में अपनी सारी एडिक्शंस को कॉन्कर कर लो. द एंड ऑफ एडिक्शन, उसका क्या रास्ता है? ध्यान से सुनना. सबसे पहला ये समझना कि हमें उन चीजों से दूर नहीं जाना है. उन चीजों से कुछ नहीं होता है. उन चीजों की वजह से अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो अंदर फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं, अंदर जो होता है पूरी बॉडी में, वो प्रॉब्लम है. वो हमें बांधती है. चीज नहीं बांधती है. जो आपने अभी अपना गेम का नाम लिया, दैट इज पबजी, वट एवर, मेरे सामने आप ला करके पबजी मेरे मोबाइल में रख भी दोगे तो क्या है, मैं नहीं खेल रहा. इन चीजों से हम बंध रहे हैं बिकॉज ऑफ अंदर जो गड़बड़ हो रही है. तो अगर ये अंदर जो कुछ होता है, नॉट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एडिक्शन बट बिकॉज ऑफ एडिक्शन, उसको आप समझ जाओ और उसको आप कॉन्कर कर लो, तो क्या आपने सारी एडिक्शंस को कॉन्कर नहीं कर लिया है? तो चीजों से भागना सॉल्यूशन नहीं है, चीजों को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है. सबसे पहली चीज ये समझना सॉल्यूशन है, अपने ध्यान को सही जगह पे लेकर के आना. आप यही कोशिश करते हो, उस चीज से दूर जाते हो, लेकिन वो चीज तो प्रॉब्लम है ही नहीं. एडिक्शन तो यहां है, वहां तो है ही नहीं. खाई बात समझ में. इससे दूर नहीं जाते ना, इससे दूर जा सकते हो? कोई तरीका है? मान लो एक तरीके से कचरा अंदर है जिसकी वजह से बदबू आ रही है, लेकिन हम बाहर सफाई करने में लगे हुए हैं. जहां भी जा रहे हो बदबू आ रही है. जैसे हिरन की कहानी सुनी है आपने, पता है हिरन के बारे में क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? कस्तूरी होती है. उसमें से क्या होता है? खुशबू आती है. उस खुशबू की वजह से हिरन की क्या हालत होती है? वो पागल हो जाता है, भागता रहता है, इधर उधर 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 गया. उसको पता ही नहीं उसके अंदर से ही आ रही है. ऐसे ही जो भी कुछ हो रहा है आपके अंदर हो रहा है. तो अगर इस ब्रेन को आप अच्छे से समझ जाओ, माइंड क्या होता है उसको अच्छे से समझ जाओ, और अपनी ब्रेन को आप कॉन्कर कर लो, तो क्या आपने इस पूरी दुनिया को कॉन्कर नहीं कर लिया है? दुनिया में जो भी करने लायक है वो सब कुछ नहीं कर लिया है? लगाओ दिमाग और इसको छोड़ करके पूरी दुनिया को भी कॉन्कर कर लिया, तब भी पूरी दुनिया के आपको एक उसमें बिठा देंगे ले जाकर के, एक सीट पे, एक चेयर पे, बड़ी सी चेयर होगी, इस दुनिया के नए राजा है ये. वहां पे बैठ करके सोच रहे होगे टेंशन में, अब क्या होगा, मेरी कुर्सी को ले तो नहीं लेगा. दुनिया की नजर में सब कुछ मिल गया, एक्चुअल में कुछ भी नहीं मिला. ये बात समझ आ रही है? लॉजिकल लग रही है या इलॉजिकल लग रही है? लॉजिकल लग रही है. कोई चैलेंज कर सकती है दुनिया की ताकत इस बात को जो बात मैं कह रहा हूँ? तो कैसे करोगे ये काम? तो पहले इससे ऊपर उठना है कि ऐसे ही पहले कमा लिया, फिर उसके बारे में सोचना ही ना पड़े, फिर हम अपने माइंड पे काम करें. अब ये पहले और बाद में का बड़ा तगड़ा चक्कर है. ये पहले और बाद में क्या होता है? पैसा कैसे कमाते हैं? हार्डवर्क से कमाते हैं. पैसा मतलब इतना पैसा कि आपको पैसे की टेंशन ना हो, तभी तो कहेंगे ना आपने कुछ कमाया है. तो सब कुछ यहीं से नहीं होता है?
ये कभी भी मत बोलो अपने आप को, अभी जो आपने बोला था कि भाई पहले हम पैसा कमाएं बाद में इसके बारे में सोचेंगे, इसको पूरी तरह से कॉन्कर करना लास्ट स्टेप नहीं है, पहला स्टेप है। जो मैं बोलता रहता हूं ना, आसान है आसान है आसान है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं सर कहां आसान है, बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली मुश्किल है, मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। किन लोगों के लिए? और अगर किसी भी काम को समझ करके करो तो बहुत आसान है। बिना समझे इस दुनिया में पैसा कमाने निकल जाओगे तो 10,000 रुपए भी महीने का कमाना बहुत मुश्किल है, और अगर समझ करके करो तो करोड़ों कमाना भी आसान है। बिना समझे एक रिलेशनशिप में एंटर कर जाओ तो, बिना इसको समझे, उसको समझे नहीं लेना यार, उसको नहीं समझना है, इसको समझ लेना है। अगर इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, क्योंकि जो अंदर की दुनिया है वो तो जिस तरह से काम करती है वो तो सेम ही है ना, अलग अलग नहीं है, इंफॉर्मेशन अलग अलग है। क्या आपकी ब्रेन और मेरी ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करती है या सेम तरह से काम करती है? सुनना मैंने क्या बोला है ना, ब्रेन जिस तरह से काम कर रही है दैट इज सेम, आपकी मेरी या किसी की भी, थॉट्स अलग अलग है। थॉट्स क्यों अलग अलग है? इंफॉर्मेशन अलग अलग है, जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पे तो सोचते हैं, आपकी ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसी के बेस पे तो सोचोगे, लेकिन जिस तरह से ब्रेन काम कर रही है वो तो सेम है ना। तो अगर आपने समझ लिया कि ये ब्रेन किस तरीके से काम करती है, यानी आपका पैशन शिफ्ट हो गया है। बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं आपको, अगर सुनना चाहते हो तो सुनना चाहते हो, एक्चुअली इनसे बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। ये बिल्कुल इस दुनिया से अलग है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग। ऐसा कौन सा कमाल का पैशन है इस पूरी दुनिया में जो आपको फंसाएगा नहीं, पूरी तरह से आजाद कर देगा? सिर्फ एक पैशन है, ओनली वन पैशन। सारा ध्यान यहां पे ले आए, यानी मोबाइल पे उल्टी सीधी वीडियोस देख रहे हो, उसको देखना बंद नहीं किया। ध्यान से समझना दोनों के पैशन में क्या फर्क है। एक है एडिक्शन, दैट मीन्स यू आर पैशनेट अबाउट अ गेम और सम विजुअल्स या कुछ भी उल्टा सीधा दिख रहा है, यू आर पैशनेट अबाउट दैट, तो वो तो आपको फंसा देगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप कुछ नहीं छोड़ रहे, यू आर देयर इन कॉन्टैक्ट विद दैट गेम, उस गेम को खेलते वक्त आप देख रहे हो अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देख रहे हो एडिक्शन एक्चुअल में क्या होता है, नॉट थ्रू अ बुक, नॉट थ्रू गूगल जाकर के सर्च किया एडिक्शन, अच्छा इसकी ये डेफिनेशन मेरे को समझ आ गया एडिक्शन क्या है, टट्टू समझ आया तेरे को। इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं, अरे देखो क्या कमाल की बात आई है मेरे दिमाग। एक पैशन है जिसमें आपको वेट करना पड़ता है, यानी अपने पैशन को डिस्कवर करने के लिए इस दुनिया में वेट करना पड़ता है ना। मुझे पता नहीं लग रहा मेरा क्या पैशन है, पता लग भी गया फिर वेट करना पड़ता है। समझ आ गया मेरा पैशन म्यूजिक है, लेकिन मेरी आवाज तो महाबेसुरी है, अब गाओ सीखो, अब मैंने सीख तो लिया है लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा है, अब धक्के खाओ। काम करने जिनके पास जा रहा हूं वो पागल कुत्तों की तरह नचा रहे हैं मेरे को, 10-10 घंटे वेट करा रहे हैं। होता है ये सब चीजें? नहीं होती है। चलो मिल तो गया एक ब्रेक, लेकिन उसके बाद में और कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है। चलो कमा भी लिया, एक लेवल पे भी आ गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी खालीपन है, अभी भी डिप्रेशन है। तो एक पैशन है जो इस दुनिया में आपको फंसाता चला जाता है, एक पैशन है जिसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अभी यहीं पर इसी मोमेंट में इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। वो पैशन क्या है? इसको कॉन्कर करना है। क्या इसके लिए वेट करने की जरूरत है? ये कहां कर सकते हो? क्या इसके लिए घर छोड़ के जाना पड़ेगा, यूएस जाना पड़ेगा, यूके जाना? कहां कर सकते हो? कहीं भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? कभी भी और कहीं भी। आप किसी भी बड़े से बड़े पेन में, बड़े से बड़े प्लेजर में बड़े कंफर्टेबली जा सकते हो, बिना किसी डर के उस पेन और प्लेजर वाली स्टेट में रह सकते हो, कुछ सेकंड्स तक, कुछ मिनट्स तक, कुछ घंटों तक, और वहां से बड़े आराम से बाहर आ सकते हो विदाउट एनी बैगेज। और लोग जब जाते हैं किसी भी पेनफुल स्टेट में, ज्यादा हो रहा है या आ रहा है कुछ? ज्यादा हो रहा है, आ रहा है, सिंपल रख रहा हूं मैं, पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको सिंपल रखने की। और लोग जब जाते हैं किसी भी पेनफुल स्टेट में या प्लेजरेबल स्टेट में, तो क्या होता है उनके पास में, जैसे उस स्टेट से बाहर आते हैं तो यहां पर बैगेज होता है। क्या बैगेज होता है? जब पेनफुल स्टेट में जाते हैं तो डर होता है, डर का बैगेज होता है, दोबारा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। अब प्लेजरेबल स्टेट में जाते हैं तो फिर एक बैगेज होता है, दोबारा चाहिए। तो मोमेंट यू आर अवेयर ऑफ कि एग्जैक्टली पेन और प्लेजर क्या होता है, तो पेन का डर निकल गया
और प्लेजर्स की क्रेविंग निकल गई, क्योंकि दोनों ही टेम्पररी है। इसमें नीचे गिरने का कोई तरीका नहीं है। आपने 10 दिन काम किया तो आप यहां थे, आप यहां आ गए हो। हाँ, यहां नहीं पहुंचे हो 10 दिन में, यहां तो आ गए। 1 महीना किया तो यहां, 1 साल किया तो यहां आ गए। अब यहां नहीं जा सकते वापस से। जिसने जितना काम कर लिया कर लिया, उसका उतना ही कंट्रोल आ चुका है अपनी इस ब्रेन पे। और जो अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो ही बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जिसके यहां पर बैलेंस है उसको बाहर बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, बैलेंस होता है।